नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल से स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने कल के लिए मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करूंगा। इसमें आप लोग को मैंने चार्ट एनालिसिस करूंगा, इंडेक्स का चार्ट और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करूंगा और कुछ डाटा एनालिसिस करूंगा। इसके साथ ही कुछ स्टॉक मार्केट न्यूज़ सब भी अपडेट करूंगा। तो वीडियो आप लोग जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस से मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इंटर डे ट्रेडिंग सेटअप टुमारो, मतलब इक्विटी कमोडिटी इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाता हूँ। तो सब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस से मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने मेरा यूट्यूब बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, चार्ट स्ट्रेटेजी है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मेरे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वो आप लोग जरूर देखिए, उसमें आप लोग को बहुत ही फायदा है। और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है, उसमें बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सीखा जाएगा, जो आप लोग को उससे 10 गुना 20 गुना या 30 गुना ज़्यादा खर्च करके भी नहीं मिलेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारा टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना हुआ है, और मैं भी कुछ जो भी ना कुछ अपलोड करूँगा तो आप लोग को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग घर बैठे ऑनलाइन प्रॉफिट कमाना चाहता है तो आप लोग को बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जरूरत होता है, एंजल बुकिंग अस्थाटे डेली फ्लो स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उधर से ज्वाइन होने से आप लोगों को बहुत ही फैसिलिटीज़ मिलेगा और मेरी तरफ से भी फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। मेरा कॉल सर्विस ट्रेनिंग और अकाउंट हैंडलिंग ये सब मिलेंगे तो आप लोगों को फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। अच्छा, तो देखिए मैंने निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हूँ। ये देखिए इधर से ये जो बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल बना था, मैंने एक काम करता हूँ इसमें। एक्चुअली क्या है इसमें कैंडल का कलर थोड़ा सा मैंने ऑफ कर देता हूँ, ये एक्चुअल कलर नहीं दिखाता है। तो एनीवे, तो देखिए इधर से ये बेयरिश कैंडल बनाया था, ठीक है, इधर से बेयरिश कैंडल बना था। इसके बाद ये छोटा छोटा कैंडल होकर कंसोलिडेट करा किया। इसके बाद और एक दिन देखिए बेयरिश कैंडल बनाया। तो जब भी देखिए बेयरिश कैंडल बना रहा है, इसका मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा रहता है। इधर से फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ये वर्ल्ड मार्केट का भी थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश रहता है। तो इधर से ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये बार बार ये 900 से 11900 से 12000 तक बहुत बार ये ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है और फेल कर रहा है, नीचे आने का ये कोशिश कर रहा है। तो इधर से ये देखिए इधर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। आज एक इसको कि हैमर नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा ये हैंगिंग मैन भी नहीं, क्योंकि ये बुलिश है। तो एक बुलिश कैंडल है जिसका बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर का सेलिंग प्रेशर कम है। बाइंग का प्रेशर लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक है, ये लॉन्ग टेल जो नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है इसका। और इधर से एक ये जो क्लियरली एक ये जो रीजन देख रहा है, ये जो ग्रीन वाला रीजन, इसका ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये इसका अभी इसका सपोर्ट जोन बन गया है 800 से 760 तक इसका एक सपोर्ट रेजिस्ट बन गया है। और नीचे इसका सपोर्ट जोन है, नीचे ये जो रेड वाला जोन आप लोग देख रहे हैं, ये इसका सपोर्ट जोन है, ये 10800 का लेवल है, 10800 का लेवल पे इसका सपोर्ट जोन है। तो इसका अंदर ही इसका लास्ट कुछ महीना इसमें ही मतलब इसका मूवमेंट होने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और फिलहाल जो है यह देखिए ये कल इसका नीचे मतलब BW पे नीचे क्लोजिंग दिया था, लेकिन इसका क्रॉसओवर नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ कुछ क्रॉसओवर धीरे धीरे इसका ऊपर का जो मूविंग एवरेज है ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है। ये मतलब इसका मतलब ये जो BW का जोन है 10800 का लेवल पे, इसमें ये सपोर्ट ले रहा है, फिर से ये ऊपर गया है। तो इसका नीचे और एक कैंडल क्लोजिंग देगा तो ये कन्फर्म नीचे आएगा, नहीं तो इसका 12000 का लेवल तोड़ेगा तो ये 12000 का ऊपर जा सकता है। तो इसका और ये इसका स्टोकास्टिक भी नीचे है, MACD भी आप लोग देख सकते हैं नीचे ही है, ठीक है, इसका देखिए MACD ये हिस्टोग्राम आप लोग देख सकते हैं, इसका नीचे है। और ADX का देखिए -DI थोड़ा सा ही ऊपर गया है,
अभी इसको कह नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया है इसका स्ट्रेंथ अभी तक। ये जो एडिक्स का जो स्ट्रेंथ है अभी तक ऊपर है, और RSI जो है ये कुछ 50 का ऊपर है, लेकिन इसका 60 का नीचे है। ठीक है, और ये है ये ओवरऑल, मतलब ओवरऑल थोड़ा सा मतलब अनसर्टेन जोन में है ना, ऊपर ऊपर भी कह नहीं जा सकता, नीचे का ट्रेंड भी नहीं है, नीचे भी डाउन ट्रेंड भी नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव तो ज़रूर है, क्योंकि इधर से अप साइड में जो अप साइड का जो रैली था वो उसको रैली रख नहीं पा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे 760-750 का लेवल से फिर से 700 का लेवल भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो देखता है इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहले इसका जो है 11,729 का लेवल, इसके ऊपर जो देख लेवल दिख रहा है 12,016 का लेवल। ठीक है, इसके बाद 12,303, 12,481, 12,481, 12,768, ये सब लेवल ऊपर का लेवल है। ठीक है, और नीचे का जो लेवल्स है 12,551, 12,408, 12,264, 12,264, 10,790, ये सब लेवल इसका इम्पोर्टेंट होगा। और मैंने और भी थोड़ा सा लेवल्स दिखा देता हूँ जो मतलब कम टाइम फ्रेम में काम करेगा, जरूरत मतलब काम पे आएगा, उसका आप लोग को दिखा देता हूँ। इस साइड में है, इसमें जो है इसका देखिए, अच्छा 10,000 इसका जो 11,896। ठीक है, 11,896, 11,905, 11,913, 11,940, 11,968। ठीक है, 11,968, 11,985, 12,001, 12,012, 12,060, ये सब लेवल है। 12,060 के ऊपर ये 12,250 तक ये जा सकता है। ठीक है, और नीचे का लेवल है 11,868, 11,868, 11,810, 11,751, इसका नीचे जो लेवल है 11,727। ठीक है, 11,727, इसके बाद 11,655, 11,655 के नीचे जो इसका लेवल आता है वह 11,551, 550 हो सकता है, और इसका नीचे इसका जो लेवल आएगा 11,400 का लेवल, 11,408 का लेवल। ठीक है, और इसका नीचे इसका जो लेवल आ सकता है, इसका नीचे और भी इसका बहुत सारा लेवल्स मिलेगा, 11,088, ये सब बहुत सारा नीचे का लेवल्स आ सकता है। ठीक है, और फिलहाल इतना ही काफ़ी है। और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का इंडेक्स क्या बोलता है। अच्छा, मैंने ये जो दिखा है ये फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाता हूँ। ठीक है, और आप लोग इधर से, ये फ्यूचर्स का लेवल्स है एक्चुअली, मैंने इसका रखा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है, BWP भी आता है, इसीलिए मैंने फ्यूचर्स दिखाता हूँ। ठीक है, इसका देखिए जो लेवल्स है और इसका जो ट्रेंड है पहले डिस्कस कर लेता हूँ। इसका ये जो वॉल्यूम का जो ये एक्चुअली वॉल्यूम का है, ये वॉल्यूम का थोड़ा सा अपर साइड में दिख रहा है वॉल्यूम, और इसका RSI, ADX, स्टोकास्टिक, MACD ये सब क्या बोलता है एक बार देख लेता है। अच्छा, तो देखिए इधर MACD का MACD इसका इसका भी थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है, और RSI का जो लेवल है, RSI का जो लेवल, अच्छा ADX का थोड़ा अभी ADX इसका थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ADX का लेवल, और RSI इसका RSI का जो लेवल दिख रहा है, स्टोकास्टिक्स का जो लेवल है ये थोड़ा सा ये पीछे, ये वॉल्यूम बार का पीछे चल गया है, इसीलिए MACD
भी थोड़ा सा इसके ऊपर है और RSI भी थोड़ा सा ऊपर है, स्टोकास्टिक ADX भी थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है। और इधर से ये BWP के ये जो पिंक वाला लाइन है ये BWP के काफ़ी ऊपर ही इसका है इसका, और इसका जो रिमेन रेजिस्टेंस है 24,880 पे ये रेजिस्टेंस जोन है। आप लोग ये जो ग्रीन वाला जोन देख रहा है ये एक रेजिस्टेंस जोन है 23,880 25,200 और इसके ऊपर 25,623 25,787 ये सब लेवल इसके ऊपर है, 25,930 ठीक है 25,930 इसके बाद 26,129 ये सब लेवल इसके ऊपर वाला दिख रहा है। और नीचे का जो लेवल है 23,830 ठीक है 23,830 इसके नीचे इसका 23,180 22,662 22,180 21,394 ये सब लेवल्स इसका देख सकता है। अच्छा तो ट्रेंड इसका अपसाइड में है, ये थोड़ा सा बुलिश गया है। और इधर से मैंने और भी लेवल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर से जो अपसाइड का लेवल दिख रहा है 24,881 24,819 ये सब अपसाइड का लेवल है। और इधर से और भी ऊपर है, एक्चुअली इसका थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है इसका। इसके बाद 24,978 25,777 ये सब लेवल्स आप लोग देख सकते हैं। 25,077 के ऊपर क्या जा सकता है 25,495 इसके बाद देखते हैं उसके बाद। अच्छा नीचे का लेवल, इसके बाद नीचे का लेवल दिखाता हूँ 24,724 24,588 इसके बाद 24,425 24,158 23,983 23,355 इसके बाद 22,131 इसके बाद 21,396 ये सब लेवल्स आप लोग को दिखना देख सकता है। इधर से भी और भी लेवल दिखा सकता है। इधर से देखिए ये सब स्टार जो है, ये जो सर्कल्स वाला जोन है, ये सब बहुत सारे लेवल्स हैं। तो लेकिन मोटा मोटी ये सब लेवल्स आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और मैंने इंटरडे मैंने जो इसके बाद जो लेवल मतलब दिखाऊंगा मतलब और भी एक वीडियो डालूंगा जिसमें बाइंग सेलिंग लेवल्स रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी रहेगा, इक्विटी का और फ्यूचर्स का, तो उस वीडियो जरूर देख लेना। तो उसमें से भी आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा और भी अच्छी तरह से। अच्छा इसका क्या हो सकता है, क्या प्रॉबिलिटी बनता है, ऑप्शन चेन से पता चलेगा। ऑप्शन चेन में देखिए निफ्टी का जो है, इसका निफ्टी का PCR रेशियो है 1.16 वो है आज, थोड़ा सा निफ्टी का PCR रेशियो बढ़ा है और इधर से PCR रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया है। और 12,000 में इसका सपोर्ट बना है, 12,000 में इसका सपोर्ट बना है। इधर कॉल साइड का भी IV थोड़ा सा बढ़ा है और इधर से 12,000 में सपोर्ट बना है और 11,800 में इसका 11,800 में इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है और 12,000 में रेजिस्टेंस बना है। 11,900 का में भी अच्छा रेजिस्टेंस है इसका ठीक है। लेकिन इधर लॉन्ग बिल्डअप, कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप। और इधर से PCR रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है, अपेरेंटली इसका ऊपर जाने का ही टेंडेंसी है, इधर से ऊपर जाने का ही टेंडेंसी है। लेकिन इसका जो PE/PB रेशियो है और इसका जो मंथली PCR रेशियो है, इसका हिसाब करने से ये थोड़ा सा इसका इतना दिन से ये चार्ट का जो हिसाब से ये इतना दिन से कॉन्फ्यूशन हो रहा है, तो इसीलिए इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है। और वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड भी थोड़ा सा नीचे ही आए। अच्छा बैंक निफ्टी का जो दिख रहा है, इसका PCR रेशियो 1.19 है, 25,000 में इसका लॉन्ग बिल रेजिस्टेंस बना है पुट साइड में और 24,500 और 24,000 में इसका सपोर्ट बना है। कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप, PCR रेशियो भी बढ़ा है, तो इसका ऊपर का दिखा रहा है
इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। और इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स लगातार 20 के ऊपर ही रहता है, 20 से 22 तक, 20 22 23 के में अंदर ये घूमता है, 20 22 23 के अंदर ये घूमता है। देखिए ये 23 इसका हाई गया था, तो जब मार्केट से ये डर चला जाता है, इसका बाई करना होता था, मार्केट को ऊपर जाना होता था, तो इंडिया विक्स इतना ऊपर नहीं रहता था। तो इसके अंदर अपसाइड में जाने के लिए पीपल के अंदर डर रहता है, तो इसी का वजह से ये इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी, अपसाइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है जरूर, लेकिन नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इसका बनता है। अच्छा, इसका FII एक्टिविटी जो देखता है, इंडिया विक्स एटलीस्ट 20 का नीचे, एटलीस्ट 17 के आसपास इसका होना चाहिए था। बहुत दिन से ये 20-22 तक मार्केट अब कितना अप गया था, 12,000 के ऊपर गया था, तब भी इसका 20 के नीचे कभी नहीं आ पाया। मैंने आप लोगों को एक मिनट, मेरा फाइल है इसमें इंडिया विक्स का, मैंने दिखाता हूँ, रिकॉर्ड रखता हूँ, मैंने खोला नहीं है, क्योंकि मैंने दे देता हूँ, मैंने एक्चुअली वीकली दे देता हूँ, वीकली डिटेल्स में दे देता हूँ। और 23rd अक्टूबर का जो वीडियो है वो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। इसका जो आप लोग देख सकता है, तो देखिए इसका, देखिए ये आप लोग इधर देख सकता है, इधर 23rd अक्टूबर तक मैंने डाटा लिया, आज का डाटा ले सकता है, 2 मिनट को ही ले सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही नहीं लिया है। तो इधर से देखिए ये लगातार ये ऊपर ही रहा है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा 19 तक आया था, लेकिन ये लगातार ये अपसाइड में ही मतलब ट्रेड कर रहा है। इसका देखिए मीन है, मतलब 30 डेज का इसका मीन है 20.85, जिसका ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो 20.85 और 5 DMA, 25 DMA, 5-10 DMA और 5-10-20 का DMA का ऊपर रहता है। इसका 23.17 ये देखिए बाई का लेवल था, जस्ट आज का जो हाई देख रहा है आप लोग, इसका आज का जो हाई वो 23.17 है, आप लोग पीछे मैंने उसको हटा दिया। तो और इसका देखिए 18.53 का नीचे ये कभी नहीं आया है, इसको जस्ट टच किया है, लेकिन इसका ऊपर नहीं गया जा पाया, तो इसीलिए इसका नीचे जाने का प्रॉपर्टी ज़्यादा बनता है। इधर FII में हेवी बाइंग आया है और DII में नेट सेलिंग दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग को और भी चीज़ दिखाता हूँ। इधर कैश में और फ्यूचर में FII DII क्या करता है वो भी अब देखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा कुछ इसमें टोटल बाइंग और टोटल सेलिंग में कुछ समझ में ठीक से नहीं आएगा। तो देखिए कैश में जो कर रहा है FII कैश में इसका नेट बाइंग है, और DII देखिए कैश में इतना हेवी सेलिंग है, मतलब मंथ इस मंथ में टिल डेट, मतलब 27th अक्टूबर तक, ठीक है। और इसका फ्यूचर ऑप्शन में देखिए क्या कर रहा है, फ्यूचर और ऑप्शन में देखिए, इधर से देखिए फ्यूचर ऑप्शन में FII नेट सेलिंग हो रहा है, और इधर से इसका फ्यूचर ऑप्शन में नेट सेलिंग कर रहा है, और ये उल्टा कर रहा है, ये इधर से ये बाइंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सब डाटा आप लोग को देखना चाहिए, और इसी का साथ मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप लोग को यही दिखाता हूँ, और बाइंग सेलिंग लेवल्स आप लोग देख लेंगे, और मैंने कुछ स्टॉक मार्केट न्यूज़ आप लोग को अपडेट करता हूँ। देखिए एंजल बुकिंग में एंजल बुकिंग शेयर्स आफ्टर सर्किट क्वार्टर टू के धमाकेदार परफॉर्मेंस ने लगी आग, ठीक है, मैंने मतलब एंजल बुकिंग में क्वार्टर टू प्रॉफिट बहुत अच्छा किया है। तो इधर से आप लोग को दिखाऊंगा, इसका फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोग देख सकता है, इधर एक छोटा सा वीडियो है वो आप लोग देख ले सकता है।
इधर से देखिए, हर दिन कौन सा शेयर धमाका होगा, ये मैं कहने का चैनल चलाने वाले यूट्यूबर्स के लिए आज का दिन एक ऐसा दिन था जब इनमें से कुछ को अपनी पुरानी बात या प्रिडिक्शन हजम करनी पड़ी। ये तब हुआ जब रिकॉर्ड तोड़ क्वार्टर फॉर टू परफॉर्मेंस के बाद एंजल बुकिंग के शेयर्स में अपर सर्किट लगा और वो 20% ऊपर जाके 298.50 में बंद हुआ और मतलब 27 अक्टूबर मार्केट बंद होने तक। और यही पर मेरा प्रिडिक्शन सही साबित हुआ कि हमेशा शॉर्ट टर्म का सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म में गलत साबित हो सकते हैं। आज का वीडियो में मैंने एनालिसिस करूंगा एंजल बुकिंग क्यों लॉकडाउन होने के बाद भी रिकॉर्ड तोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट रजिस्टर कर पाया कैसे, अब ऐसे रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के पहले ऐसे गेस कर सकते हैं और सही तरीके से ट्रेड करके लाखों और करोड़ कमा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबको रिक्वेस्ट के ये करूँगा कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करके अपना डीमैट अकाउंट खोल के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं कुछ भी मिनट्स में। तो आज आइए आपको पहले बताते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स का समरी क्या है। एंजल बुकिंग में आप लोग देखिए बहुत सारा एंजल बुकिंग क्वार्टर टू समरी देखिए, सितंबर में ख़त्म होने पर के वाले एंजल बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन क्वार्टर 74.6 पोस्ट किया है। ये नंबर ये सब फैक्शन फिगर्स आप लोग इधर से दे सकते हैं। इंस्टेबिलिटी में हुआ है, लॉकडाउन का इंस्टेबिलिटी में हुआ है, ठीक है। ये सब फैक्शन फिगर्स आप लोग पूरा देख सकते हैं, इसका मैंने आप लोग को गूगल ड्राइव में भी दे दूंगा, ठीक है। ये जो वर्ड फाइल है आप लोग को गूगल ड्राइव में भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग और भी अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं इसका। एंजल बुकिंग का ग्रोथ का एनालिसिस, एंजल बुकिंग के ग्रोथ के पीछे है उनके मैनेजमेंट का विजन, वो विजन क्या है और कैसे आप ऐसे विजन मैनेजमेंट वाले कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आपका भी कमा सकते हैं ज़्यादा। सबसे पहले एंजल बुकिंग बिजनेस मॉडल को फिजिकल से डिजिटल की तरफ ले जाने का बहुत सही टाइमली डिसीजन उनके मैनेजमेंट का 2019 के साथ एंजल ने अपने बिजनेस को डिजिटल की तरफ से ले शुरू किया गया। आज के लाके उनके डिसीजन कितना साबित हो सकता है, सही साबित हो सकता है ये सब डिजिटल बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ सकता है, मैंने इसका गूगल ड्राइव में आप लोग को लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप लोग इसे लिंक से पढ़ सकता है और दिन धमाका करने वाले चैनल्स का क्या, तो इधर से ये सब आप लोग पढ़ सकता है पूरा। आप लोग इससे वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और इधर से मैंने कुछ एक्सेल फाइल से भी आप लोग को कुछ दिखा दूंगा। इधर से देखिए, इधर से फ्यूचर रिलायंस फाइट आर्बिट्रेशन वर्डिक्ट, ठीक है। ये सब जो है, ये सब जो लिंक है, ये सब आप लोग को वीडियो का लिंक में मिल जाएगा। गोल्ड प्राइस एनालिसिस, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू विद कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब का जो लिंक है मतलब इसका, ये सब न्यूज़ का जो लिंक है, तो ये सब आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ICICI थैंक्स HDFC बैंक साहित्यपुरी फॉर बींग एन इंस्पिरेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स विंडिंग अप ऑफ UBHL टू रिकवर 11,000 crore, किंगफिशर ड्यूज, ठीक है। स्टॉक्स इन न्यूज़ भारती एयरटेल टाटा मोटर्स SBI HDA महिंद्रा फिनेंशियल पेटीएम मनी लॉन्चेस ETFs येस बैंक हाउ येस बैंक रिकवर्स एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। ये सब लिंक्स आप लोग को मिल जाएगा। तो वीडियो अभी यही ख़त्म करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।